हेलो दोस्तों, कैसे जैसे बढ़े होंगे तो मैं छोड़ नहीं वीडियो लेके दो गाइस। इस वाले गेम प्ले में आप काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें, और पहला ही किल भैया तकड़े वाला होने वाला है, तो तुम्हें शुरू से मजे दिलाते हैं हम। तो अभी देखना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जादू होगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ अंदर, ठीक है। यहाँ पे मतलब पिस्टल मिल जाती है और कुछ एमओ पड़े थे फ्री फंड के, और फिर यूज़ भी एकदम से आ जाती है भैया, चमत्कार हो जाता है। तो अब एक बंदा जो है वो एक एम लेकर आ चुका है और मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा हिट दे दिया, वेस्ट वगैरह तो दोनों पर ही नहीं थी। और भैया पिस्टल यहाँ पर जान बचा लेते हैं मेरी। तो यार यहाँ पर क्या है कि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है इस गेम में, और वो दिक्कत है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक है यार, अगर तुम में से किसी पर आईपैड प्रो है तो बताओ मुझे नीचे कमेंट करके जरूर, कि अगर आप पे मतलब आईपैड प्रो है और ये वाली प्रॉब्लम आपको आ रही है कि जॉयस्टिक जो है वो कई बार मतलब चलनी बंद सी हो जाती है, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताना यार कुछ सॉल्यूशन हो तो, क्योंकि अभी पुराना ही वाला आईपैड जो है वो लैग होने लगा था बहुत बुरे वाला, और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है साथ में, तो दिक्कत होती है काफ़ी। और इसमें पता नहीं है जॉयस्टिक का क्या ग्लिच है, तो भाई बता है मेरे को कमेंट करके अगर किसी पे हो। और भाई चलते हैं अभी आगे की तरफ। और यहाँ पे एक बंदा और लूटा पार्टी कर रहा था, तीन दिन बंदे मार रखे हैं इसने। मज़े में मतलब चुन रहा था चीज़ें कि कंपनसेटर लूँ, फ्लैश हाइडर लूँ, सप्रेसर लूँ, क्या लूँ, मतलब तो चुन रहा था ये। और हमने भैया इसका काम आसान करा कि भैया जाओ नेक्स्ट गेम प्ले में ट्रेनिंग मोड में जाओ और चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोर्ड था भैया, इसको भी हम चला देते हैं जल्दी से कि भाई सो जा। तो अब एक नंगा पुंगा बालक था इधर, तो इसको भी हम मार के जल्दी से ख़त्म कर देंगे। और ये मुझे लग रहा भैया कोई ऐसे ही फंस गया, मतलब लोबी में, गलत लोबी में आ गया ये। तो अब भैया स्कोर हाउस मारिए, बहुत तगड़ी आवाज़ है, मतलब दो तीन बंदे हैं कम से कम। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई स्मोक कर दूँ, थोड़ा ऐसे डरा वरा दूंगा, मज़े से ले लूँगा, मतलब स्कोर वाले थोड़े मतलब मेरे पे फिर रहम कर देंगे कि चलो भैया ये तो मजाक वाला बंदा है तो इस पर थोड़ा रहम कर दो, ठीक है। लेकिन भैया वो मेरा मजाक नहीं सहते, वो आके कर देते रश। और गाइस तुम कहते हो फिर कि नूब लोबी मैं खेलता हूँ मैं, तो ये देखो भैया नूब लगा रहा था कहीं से जो ये फ्री फायर के साथ घुसा है, और फिर दूसरा बंदा, लेकिन हम क्राउच कर रहे थे। तो भैया हम पे M416 है, एक एम है, ठीक है, ठीक ठाक एमओ है, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ है, बस वेस्ट नहीं है। तो तुम देख देख रहे होंगे ये वेस्ट जो है वो बहुत ही बुरी लगती है भाई दिखने में भी। तो मैं ऐसे मज़े में लूट रहा था, चुन रहा था मैं भी चीज़ें, लेकिन इतने में एक बोट आ जाता था, तो भाई बोट का किल भी ले लेंगे, फ्री फंड में जुट जाएगा हमारी लिस्ट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये भैया बोट चालाक था बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब भगता चला गया और फिर जाकर लूटने लगा, भाई ऐसे मत लूटो यार। तो भैया बोट भी आजकल एडवांस हो रहे हैं, कोई फर्स्ट एड लगा रहा है, कोई पेन किलर, कोई भैया छुप रहा है, कवर में जा रहा है। तो गाइस अब आ चुका मैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई कुछ बंदे कर रहे हैं कैंप, और वो थोड़े तगड़े वाले कैंपर्स हैं, क्योंकि वो स्कोर्ड हाउस में नहीं दूसरे घरों में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई रश करेगा तो स्कोर्ड हाउस में करेगा और हम पीछे जाके मारेंगे मस्त। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, टीपी लेने लगता हूँ। तो गाइस यही तुम ही करो यार, अगर देखो स्कोर्ड में रश करना है ना, तो मैं सोच से स्कोर्ड की थोड़ी टिप चाहिए, या फिर मतलब तुम कम हो सामने वाले ज़्यादा हैं, तो सबसे बढ़िया टिप है होल्ड कर लो, चाहे कैंप कर लो, कुछ ही कर लो, ठीक है। लेकिन मतलब वैसे तो रश करो, रश टू रश खेलो, घर टू घर मतलब, और लेकिन जब तुम स्कोर्ड पर हमला करने वाले हो ना, उससे पहले थोड़ा होल्ड कर लो, कैंप कर लो, एक ही बात है। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि बंदे मतलब क्या कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, कितना अच्छा काम करा ना मैंने, ये मत करना कभी भी। तो वही है फिर से, जॉयस्टिक ने धोखा दे दिया, मैंने जॉयस्टिक करी तो उधर थी लेकिन गई नहीं, और भैया दीवार पर लग के नेट पीछे हो गया, अच्छा मैंने पूरा कुक नहीं करा था, नहीं तो गया था मैं। तो अब एक बंदा भैया चतुर बनने की कोशिश करता है कि आके इसे फेल देता हूँ जल्दी से, कि गलत नेट हो गया, इसका फायदा उठा लेंगे हम। लेकिन भैया यहाँ पे हम इसे फेल देते हैं और पूरा खा जाते हैं। तो इसके जो दो टीममेट हैं वो भी भगते भगते आएंगे, भैया बदला ले लेते हैं जल्दी से, या फिर किल बढ़ा लेंगे अपना। तो ये बंदा यहाँ पे कैंप करने लगेगा, और गाइस मतलब चमत्कार ही हो जाएगा इसके साथ भी। तो इसके ऊपर मैं मोली करने की सोचता हूँ, लेकिन भैया इसे मोली लगती नहीं है, तो या तो मेरी मोली थोड़ी सी हल्की सी मैंने पहले कर दी कि वो हल्का सा कोना उसका बच गया जहाँ पे वो खड़ा है, और फिर पता नहीं भैया क्या सीन है, या फिर वो जल ही नहीं रहा भैया, वो मतलब भगवान सा है क्या है मुझे नहीं पता। तो अब क्या हुआ कि एक बंदा है पीछे, तो वो चलाता है मेरे पिस्कारिल, तो मैं जल्दी से भग के इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब इसे मैं थोड़ा सा उड़ के हवाई छोड़ देता हूँ AKM का, और फिर चले जाऊँ इसके दोस्त के पास, क्योंकि अगर मैं दो से एक फाइट लूँगा तो मैं गारंटी मरूंगा भाई, दो से साथ में फाइट मत लो अगर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड या क्लच कर रहे हो। तो ऐसा होगा कि एक एक बार के माए, चाहे एक सेकेंड का अंतर हो सबके बीच में, लेकिन सारे अगर एक साथ टूट पड़ेंगे ना, मतलब चार बंदे सामने चला रहे हैं तुम पे गोली और तुम एक चला रहे हो,
तो तुम्हारी एक गोली लगेगी उनकी चार लगेंगी, तो तुम सोचो चार गोली में बंदा खत्म हो जाता भाई, डेड हो तुम। तो इसलिए कोशिश करो बंदों के पीछे से मारो या कुछ भी सीन करो, मुझे नहीं पता भाई, कर दो बस ठीक है, होल्ड करे रखो, टीपी पी लेते रहो, कुछ भी करो, लेकिन दो बंदों से ज़्यादा पंगा मत लो साथ में, ठीक है, दिक्कत हो जाती है, मतलब कई बार तुक्का लग जाता है लेकिन दिक्कत ही होती है ज़्यादातर। तो हम यहाँ पे कर देते फुल बूस्ट, क्योंकि मुझे उसका नहीं पता भैया कितना हराम बंदा है, क्या सीन है उसका, मान लो सांप बन गया पीछे जाके लेट गया, और भाई मैं नहीं कह सकता भाई सांप से, वैसे भी इस गेम में तुम्हें देखने को मिलेगा सांप कितना बुरा हाल करता है हमारा, तो भैया सांप से बच कर रहेंगे आज के बाद हम, और सांप को जो भी बुरा भला बोला भैया हम वापस लेते हैं अपने शब्द। तो इस बंदे को लगा मैं अभी उधर ही टिप भी ले रहा हूँ, मतलब जो भी सीन था इसका, तो ये इतना रेडी नहीं था, ये सोचा था मैं दीवार के इधर ही खड़ा हूँ, लेकिन मैं एकदम कूद के मारता हूँ भाई, एकदम से चौक जाता है, तो चौक जाता है पेल देते हैं हम इसे, तो अब इन्हें हम खत्म ही करते हैं कि इतने में पीछे से कोई और आ जाता है, क्योंकि जोन इधर ही था एज है मतलब, तो कुछ बंदे अब यहाँ पे आ जाते हैं कि होल्ड कर लेंगे इधर ही, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा नेड़ निकलने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे देखो भाई मेरी किस्मत ठीक है, अब मैं सोचता हूँ भाई इस दीवार में लग के नेड़ अंदर जाएगा लेकिन उल्टा हो जाता है, नेड़ बाहर आ जाता है, लो भैया फट गया हवा में। तो एक बंदा कर रहा है गाइस यहाँ पे कैंपिंग, और वो बंदा पूरा हराम है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही वो कर रहा है, जैसे मैंने पहले नेड करा उसने फिर नेड खींचा मेरे बाद ठीक है, अब मैं फिर से पिन खींचूंगा वो फिर से पिन खींचेगा, तो भाई मैंने इसी बात का जुगाड़ उठाया कि भाई पिन खींचो और अंदर रख लो, उसे क्या पता मैं फेंकने वाला हूँ, तो वो फेंकने के पूरे मूड में था, और जैसे भैया वो फेंकने के मूड में था बंदूक पीछे रह गई और भैया उनकी फट गई फिर, और हमने मार दिया उसे। तो गाइस जो इस चिक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं तो शायद मैं लास्ट में जो, चलो मैं अभी नहीं बता रहा, स्पॉइलर नहीं देता मैं, तो यहाँ पे अब जा रही है एक बग्गी, तो बग्गी पे मैं थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे दीवार में लग जाती हैं कुछ गोलियाँ, तो वो वापस आता है मेरी तरफ, वो भी पूरा मतलब खतरनाक वाला बंदा था, तो मेरे पर वापस आता है, उसकी हेल्थ मैं काफ़ी कम कर चुका हूँ, और फिर एक पड़ जाता भैया हेडशॉट AKM का, वो भी तो ख़त्म। तो अब आ चुके हैं हम यहाँ पे, और यहीं पे भैया बहुत बुरे बुरे सीन होंगे, तो अब क्या है कि एक स्क्वाड है फुल, ये जो लाल वाले घर हैं इनमें तीन बंदे तो हैं कम से कम, चार का मुझे कोई पता नहीं लेकिन तीन बंदे कम से कम हैं, और भैया वो मेरे को घेर लेंगे चारों तरफ से, एक बंदा मेरे ऊपर आ चुका है छत पे ठीक है, तो वो मुझे डरा रहा है कि भैया यहाँ पे बार बार कूद कूद के जो भी सीन है, तुम मैप में देख सकते हो फुटस्टेप, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें साउंड नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे एक बंदा क्या है पीछे भागने की कोशिश करता है, शायद ये इनका टीममेट था मुझे कुछ नहीं पता ये, तो क्योंकि बहुत लंबा सा घूम से गया है या फिर कोई और होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब ऊपर जो बंदा है ना वो मेरे को दे रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कूद के किसी भी खिड़की से आ सकता है, इसलिए मैं चारों तरफ बावलों की तरह देख रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जिधर से आएगा मार तो दूंगा कम से कम, पता चला मैं इधर देख रहा हूँ पीछे से उसने मार दिया, और अभी यहाँ पे एक सीन भी हो जाएगा कि एक बंदा यहाँ पे मेरे घर में आ जाएगा और मेरे को पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगता है भाई मेरे को क्या पता, मैंने देखा ही नहीं जब उसे, और वो आके भैया ऐसे बैठ जाता फुटस्टेप भी नहीं देता, तो बस दिक्कत हो जाती है, बच गए थे बस। तो ये देखो भैया बंदा यहाँ पे ये खिड़कियों में से आके यहाँ पे खड़ा हो गया था, और मेरे को नहीं पता चला भैया क्या सीन था, कैसे आ गया, कब मैंने आ गया, तो जल्दी से भैया हम मार देते हैं, किस्मत अच्छी थी यहाँ पे मेरी कि मैं बच गया, नहीं तो बहुत तगड़ा वाला सीन होता इधर, तो मैं फर्स्ट एड इसलिए मार लेता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता भैया उसका टीममेट कब मेरे पे रश कर दे, क्योंकि वो कहेगा कि मैंने दो गोली मारी है, तो उसका टीममेट पूरे एनर्जी में होगा कि भाई जाके रश कर देते हैं, एक ही बंदा ये भी बता देगा, तो यहाँ पे एक बंदा और उसका उसी खिड़की से आने की कोशिश करता है, लेकिन भैया उसे नहीं पता था कि अब मैं उधर ही देख रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं भुगत चुका होता हूँ ना कोई चीज़ फिर मैं उसका ध्यान रखता हूँ बहुत, तो इसलिए मैं उसे उधर ही ध्यान रख रहा था कि भाई कोई और ना आए उसी खिड़की से, तो वही हुआ, जैसे ही वो खिड़की से कूदा वैसे ही मैंने थोड़ा हिट दे दिया, और फिर क्राउच एंड शूट वाली जुगाड़ लगा के हमने उसे पूरा किल कर दिया। तो हम यहाँ 6x का 3x बना लेते हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं है भाई इतने बड़े स्कोप का, और अब जाता हूँ मैं यहाँ पे रश करने, मेरे को नहीं पता भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे यार देखो 6 लाइन है और मुझे नहीं पता कितने बंदे मेरे आसपास ही घूम रहे हैं, क्योंकि जोन देखो तुम कितनी सी है, तो एक बंदा यहाँ पे मस्त मेरे पर मतलब एंगल लेकर बैठा है पूरा, और मैं जल्दी से पीक करके पीछे जाता हूँ, तो भैया को मौका ही नहीं मिलता। तो अब एक बंदा मेरे पे नेड कर रहा है जैसे कि तुमने देख लिया होगा, तो भैया मैं सीढ़ी पे आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि भैया नेड फटेगा ऊपर मैं बच जाऊँगा इधर, तो वो बंदे क्या करते हैं नेड नहीं स्मोक करते हैं, और वो भैया चालाक बंदे थे क्योंकि स्मोक कर रहे थे, वो सोच रहे थे फिर मैं खिड़की से देख नहीं पाऊंगा, और जैसे वो क्लोज करने की कोशिश करता हूँ मैं उसे एक दो गोली तो दे ही देता हूँ, तो कम से कम उसकी आधी हेल्थ तो हो चुकी है, और फिर जाके भैया हम क्लोज कर देते हैं उसे और खा जाते हैं पूरा।
गाइज अब यहाँ पे मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है कि मैं मरने वाला हूँ और वही होगा। और यार यहाँ पे मैंने कोशिश तो पूरी करी कि मैं कैसे भी करके उस सपेरे को ढूंढ लूँ, लेकिन यार मैं नहीं ढूंढ पाया। और लास्ट में तुम देखना क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं खुश हूँ इस गेम प्ले से, 16 किला यार, और ठीक ठाक मेरे को एक दो चीज़ सीखने को मिली कि भाई ऐसे नहीं होता जैसे मतलब गलती करता हूँ लास्ट में। तो यही है यार, अपनी गलतियों से सीखो, गेम दोबारा लगाओ, रैंक वैंक कुछ पे ध्यान मत दो, फालतू में चिंता करोगे, टेंशन लोगे, कोई नहीं, चिल रहो, ठीक है, बस गेम खेलो, प्रैक्टिस करो और फ्री फंड में मतलब मजे में करो। यहाँ पर मेरे को लगा कि कोई बंदा लेटा है, और ये देखो भैया हम ही लेट गए अब तो ये बंदा यार मेरे को नहीं दिखा दिया क्योंकि मैं था क्राउच, और इसलिए मेरे को ये देख पा रहा था। अगर मैं वहाँ पे प्रोन हो जाता तो शायद मैं बच जाता, शायद, ठीक है, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन शायद बच जाता, क्योंकि ऐसा है अगर कोई बंदा स्नेक बन रहा हो, हम उसकी तरफ जाते तो वो हमें देख पाता है, हम उसे बाद में देख पाते हैं। तो बस यार मैंने तो अपनी पूरा ट्राई किया, अब नहीं जीत पाए तो क्या कर सकते हैं भाई, सिचुएशन पर डिपेंड है गाइज। और गेम हारो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ सीखो, ठीक है, गेम से। अब देखो मैं यहाँ पर मरूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, सीखने को मिला है कुछ, तो ऐसे ही तुम करो, फालतू में टेंशन मत लो, ये रैंक पुश वगैरह की माइनस हो गई, अपने दोस्तों से लड़ो, फिर ये करो वो करो, ठीक है, चिल रहो पूरा। तो गाइज यही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।